बाज़ार एक ऐसी जगह जहाँ हर इंसान अपनी ज़रूरियात की सामान के लिए जाता है। अगर बच्चे जाते हैं तो खिलौनों को देखकर बहल जाते हैं, बड़े जाते हैं तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात के तमाम असबाब लेकर आते हैं। बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ भले ही ख़रीदना हो ना हो, घूमना हर किसी को पसंद है। आइए इसी बाज़ार के कॉन्सेप्ट को जहन में रख कर मैं कलकत्ता नहीं बल्कि बंगाल का सबसे बड़ा बाज़ार, जिसे कहते ही बड़ा बाज़ार है, वो लेकर आपके सामने आया हूँ, जहाँ पे हर तरह के होलसेल सामान मिलते हैं। कहीं टेडी बियर तो कहीं प्लास्टिक के सामान, तो कहीं डिनर सेट, तो कहीं बॉल सेट, तो कहीं कुछ और, तो कहीं कुछ और। इस तरह तमाम चीज़ों का एक ज़खीरा है कलकत्ता ज़करिया स्ट्रीट बड़ा बाज़ार। जो लोग गए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनका जाना हो चुका है, और जो अभी तक नहीं गए वो भी कमेंट में लिखें कि अभी तक नहीं गए। यहाँ पे हर वक्त भीड़ होती है। एक छोटे से छोटे शॉप की कीमत भी लाखों में होती है, बड़े शॉप तो करोड़ों में आएंगे ही। हर एक चीज़ की दुकान आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें आपको बाज़ार, बड़े बाज़ार की तमाम चीज़ों को दिखाऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिए वीडियो के साथ। उतरेंगे तो चर्च स्ट्रीट कहेंगे, आपको यही बस वाला उतार देगा और फिर आराम से सामने सामने आहिस्ते आहिस्ते आ सकते हैं। और यहाँ आपको बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे। हर एक सामान मिल जाएगा, स्टील का सामान, ग्लास, प्लेट, सब कुछ देख सकते हैं आप। सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। कलकत्ता आने से कभी भी इस जगह को विजिट करना ना भूलिएगा। हर एक सामान मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर होलसेल में मार्केटिंग करते हैं तो आपके हक में बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि रिटेल में जो है बस अंदर जहाँ जैसे होलसेल बिक रहे हैं, बाहर आएंगे तो उसी चीज़ की कीमत 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये बढ़ जाती है। तो बेहतर है आप होलसेल रेंज में आए और आकर होलसेल रेंज में लेना शुरू करें। पूरे कलकत्ता का सबसे रश एरिया है, हर वक्त भीड़, हर वक्त रश मिलेगा आपको। जैसे कोविड का दौर, अभी आप मास्क देख सकते हैं, हर तरह के मास्क आपको कम सम में मिल जाएंगे, जो बिल्कुल बंडल में बिकते हैं और कम सम में बिकते हैं। अगर आप ये बाहर सामान लेने जाएंगे तो कीमत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन इसी के पीछे जितनी बिल्डिंग्स हैं सबके अंदर होलसेल शॉप्स हैं, अंदर से आप लेंगे तो इन चीज़ों की कीमत कम पड़ जाएगी। कुछ सलाद दुकान करिए। यहाँ पे छोटे से छोटे दुकान की कीमत भी करोड़ों में आती है। देख रहे हैं ये जो लोग फूट में बैठे हैं, ये लोग भी इस पे बैठने का किराया देते हैं और अच्छी तादाद में देते हैं, अच्छे खासे पैसे देते हैं, क्योंकि ये जगह बिजनेस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। और बिजनेस का जब भी कलकत्ते में सवाल उठता है तो लोग पहुँचते हैं यहीं पर। हाँ, अगर आपको सजावट से मोहब्बत है, बर्थडे पार्टी हो, उसके अलावा और भी सेलिब्रेशन हो, तो सजाने के सामान आपको यहाँ मिल जाएंगे इस गली में। देख सकते हैं आप, ये मेहता बिल्डिंग वाली गली है, इस गली में आपको सजाने के सामान मिल जाएंगे, बलून हो,
इस तरह की चीज़ें हैं। इस गली में सिर्फ आपको सजाने के सामान ही मिलेंगे, तरह तरह के बलून, कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, सजाने के सामान के लिए आप यहाँ विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाएं, तो बिल्कुल कम कीमत में आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इसी चीज़ को आप बाहर ख़रीदेंगे तो कीमत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्टिकर्स हैप्पी बर्थडे वाले, हैप्पी एनिवर्सरी वाले, बर्थडे कैप, नाइफ, स्प्रे, तमाम चीज़ें मिल जाएंगे। कौन बोला? गिफ्ट आइटम्स, तमाम चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। आप ज़रूर ज़रूर विजिट करें, तो सजाने वाली गली इसी के अंदर आपको मिलेंगे, गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी बाज़ार कॉन्सेप्ट को लेकर हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी, जहाँ तक हो सका, क्योंकि इतने बड़े बाज़ार को दिखाना मुमकिन है ही नहीं। जहाँ तक हो सका हम लोगों ने कवर किया। अब इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो पूरी तरह इसके एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आगे अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। शुक्रिया।